सो हे गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यार गाइज, जैसा कि मैंने कल आप लोग का अपडेट दिया यार गाइज, उसमें बोला कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ऐसा एक अपडेट आया था गाइज, उसमें बोला जा रहा था कि मतलब एग्ज़ाम्स को लेकर के मीटिंग करी जा रही थी कल 3:30 बजे, ठीक है, जूम ऐप पर। एंड गाइज, वहाँ पर टीचर्स लोग थे। तो यार गाइज, आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था, मुझे पता है कि ऐसा में एक तरफ तो ये बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा और एक तरफ ये बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा। बीच में अटक गए सारे स्टूडेंट्स कि आखिरकार एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। तो यार गाइज, हम आज इसी को लेकर के एक अच्छा सा डिस्कशन एंड करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, ये कोई न्यूज़ नहीं है, बस जस्ट मेरा ओपिनियन है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं यार गाइज कि एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए। एंड कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो इधर इधर में 86% लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो, ठीक है, जबकि यहाँ पे 1400 लोगों का वोट आया है, ठीक है। एंड गाइज, जो चाहते हैं एग्ज़ाम हो उनका क्या कंडीशंस हो सकते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है जो गुड स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो पढ़ने में अच्छे हैं वो चाहेंगे कि, और जो तैयारी अच्छे से किए हैं वो बिल्कुल भी चाहेंगे कि हमारा एग्ज़ाम हो, ठीक है। एंड यार गाइज, मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम्स अगर कैंसिल कराने हैं तो कैसे कराने हैं, अगर कंडक्ट कराने हैं तो कैसे कराने हैं। लेकिन यार, सपोर्ट टीम में मैं रहूँगा आप लोग का, एंड आप लोग को बहुत सारे हाई लेवल्स का सपोर्ट दिलाने की कोशिश मैंने किया है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर जिस दिन आप लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर सपोर्ट कर दिया, उस दिन आप लोग को हाई लेवल की सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ मिलेगी वीडियो में बताऊँगा। देखो, सबसे पहला तो हम लोग गुड स्टूडेंट्स पर डिस्कस कर लिए। सेकेंड है गाइस, जिसका 9th और 11th का मार्क्स ख़राब हो, बिल्कुल भी चाहेंगे उनका एग्ज़ाम हो, बिकॉज उनका जो है 9th और 11th का अगर मार्क्स अगर ख़राब है तो ऑब्वियसली यार, क्लास 10th वालों को अगर प्रमोट किया जाता है तो क्लास 9th का मार्क्स को देखा जाएगा, और क्लास 12th वालों को प्रमोट किया जाता है तो क्लास 11th का मार्क्स इसको देखा जाएगा। मैंने यहाँ पे एक नोट बना दिया, मतलब छोटा सा पॉइंट लिख लिया ताकि कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है यार गाइज कि फॉर बेटर कॉलेजेस, जो जिसका अगर बेटर परसेंटेज नहीं आ पाया, मान लो इस वजह से कि प्रमोट कर देने के बाद, हो सकता है उनके जो बेटर जिन्होंने एग्ज़ाम्स को लेकर के अच्छी तैयारी कराया है और 9th और 11th में जिनको बेटर मतलब बेटर परफॉर्मेंस नहीं था, तो वो चाहेंगे कि एग्ज़ाम हो ताकि हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ और अच्छे अच्छे कॉलेजेस पे एडमिशन ले पाएँ एंड अच्छी पढ़ाइयाँ कर पाएँ, लाइक नीट, JEE, AIIMS वगैरह की पढ़ाइयाँ कर पाएँ, ठीक है, और अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छे अच्छे डिग्रीज एंड मेडिकल फील्ड्स, इंजीनियरिंग फील्ड्स में जा पाएँ। एंड हमारा फोर होगा यार, फॉर बेटर मार्क्सेस, मतलब बेटर मार्क्स के लिए, अगर बेटर मार्क्स रहेगा तो आप लोगों को सभी जगह अपॉर्चुनिटी अच्छी वाली मिलने को रहता है। तो गाइस देखो, जो भी लोग रिजल्ट करके करते रहते हैं ना, उनके लिए एक इंस्पायरेशनल स्टोरी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप लोग जाके, सभी लोग जो चाहते हैं बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो और जो लोग चाहते हो बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल ना हो, सभी लोग उसकी स्टोरी जरूर से पढ़ लेना, ठीक है, बिकॉज ये स्टोरी आज के प्रभात खबर में आया हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टूडेंट्स के से कि जा करके इसको जरूर से पढ़ लें, डाउनलोडिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना। अब देखो, क्यों एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, कुछ मेजर पॉइंट्स, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो उनको कोविड से डर नहीं लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कोविड थर्ड वेव से भी डर नहीं लगता है, एंड उनको लगता है शायद ये कुछ है नहीं, मेरा मानना है, लेकिन गाइज रियली मानो तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा होगा यार गाइज पढ़ाई, क्योंकि यार झारखंड एक ऐसा समझो तो झारखंड लाइक एक गांव है, एंड यहाँ पे अच्छे नेटवर्क्स की भी सुविधा नहीं है, ना ही अच्छे अच्छे यहाँ पे लोगों के पास मोबाइल हैं। मैं खुद भी अभी गांव में हूँ, ठीक है, एंड यहाँ जो लोग अभी मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उन बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके घर में फ़ोन तक नहीं है, ठीक है, तो बताओ। और जो यहाँ पे स्कूल्स वाले होते हैं, ना तो इनको मॉडल पेपर दिए हैं, ना सिलेबस दिए हैं, और ना ही कुछ भी प्रोवाइड करें, ठीक है, मैं अपने गाँव की स्थिति बता रहा हूँ। तो ऐसे में एग्ज़ाम्स अगर होते हैं गाइज, अगर 10th का एग्ज़ाम आप लेने चाह रहे हो, तो फिर आप लोगों को सभी चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए थी, स्ट्रिक्टली प्रोवाइड करानी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। एंड गाइज, अगर एग्ज़ाम होता भी है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू होगा, बिकॉज वो लोग ऑनलाइन स्टडी किए हैं तो बहुत सारे इशूज़ आए हैं, जस्ट लाइक ऑनलाइन स्टडी में किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, किसी के पास रिचार्ज नहीं है, किसी के पास डेटा ख़त्म हो चुका है, किसी के पास फ़ोन हैंग कर रहा है, किसी के यहाँ लाइट नहीं है, किसी के यहाँ क्या है, मतलब बहुत सारे इशूज़ थे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, क्लासेस यहाँ पे नहीं हो पाए थे, फिर आप लोग का बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी, ठीक है, जस्ट लाइक नेटवर्क इशू, जैसा कि मैंने बोल दिया, क्लासेस भी अटेंड नहीं हो पा रहा था, टाइमिंग मिस कर जा रहे थे, टीचर्स से पूछ रहे हैं तो टीचर्स लाइक नोट्स में पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि बिकॉज अगर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बोर्ड पे तो ज़्यादा उनको बेटर फील होता है, एंड क्लासरूम में एक दूसरे से डिस्कशन करके, टीचर्स से फेस टू फेस बात करके पढ़ाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा
अच्छा लगता है एंड उसको समझ में भी आता है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में यार बहुत ज़्यादा थोड़ा बोरिंग टाइप का हो जाता है क्लासेस, जहाँ तक मुझे भी ऑनलाइन स्टडी का एक्सपीरियंस है, कैसा लगता है मैं फील कर सकता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो हमारा जो पॉइंट है ये भी कि कोविड, अभी कोविड झारखंड में रुका जरूर से है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है एंड गाइज, कल जैसा कि मैं बता दूँ कि आप लोग कि झारखंड सरकार ने कोविड थर्ड वेव पे बात करी थी। एंड गाइज यहाँ पे मैं बता दूँ कि आज प्रभात खबर में छापा है, शायद 75,000 के आसपास उन्होंने छापा है, मुझे फिलहाल याद नहीं है गाइज। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट शॉट करा दूंगा। उन्होंने बोला है कि कोविड अगर थर्ड वेव आता है तो 75,000 बच्चे संक्रमित होंगे। ठीक है, ऐसा उनका मानना है गाइज, मैं स्क्रीनशॉट बता दूंगा, जो भी मतलब नंबर है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है लेकिन ऐसा उन्होंने बोला है। एंड मुझे बता सकते हैं कि यार आप लोग अगर संक्रमित होता है, अगर कोई बच्चा अगर संक्रमित होता है, लाइक आप संक्रमित हो जाते हो, ठीक है, आपके ब्रदर सिस्टर संक्रमित हो जाते हैं, तो आप ऑब्वियसली आप भी वहाँ पे रहोगे, आपके मम्मी रहेंगे, आपके पापा रहेंगे, हो सकता है आपके कुछ रिलेटिव्स भी आ जाएँ, तो ऐसे में क्या उनको भी संक्रमण होने का चांसेस नहीं है? वो भी ऑब्वियसली हो जाएंगे, प्लस में आपके पड़ोसी को भी खतरा हो जाएगा, पड़ोसी घर से निकलना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं एंड इसमें जो है चाइल्ड सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा। और अगर बच्चे लोग जिस दिन संक्रमित होना स्टार्ट हो गया उस दिन झारखंड का स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, बिकॉज झारखंड में जो दवाइयाँ अभी हैं, जो गवर्नमेंट दवाइयाँ इशू करा रही हैं, वो बड़े लोगों के लिए। मान लो अगर किसी को 500 mg का दवा देते हैं हम, लाइक हमारे लोग, हमारे जैसे लोगों को 500 mg का दवा आता है, तो बच्चों को सीधा 250-100 mg का दवा बनाना होगा। मतलब सभी चीज़ों को बिल्कुल से चेंज करना पड़ेगा और सभी चीज़ें फिर से करना पड़ेगा। ऐसे में कैसे संभाला जाएगा स्थिति को, आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे फिर से, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स नहीं चाहते, हमारा दूसरा सबसे अलग पॉइंट है यार फिर से कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनको डर है, वो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, वो अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाए हैं बिकॉज उनके पास संसाधन नहीं था। ठीक है, एंड हमारा और भी पॉइंट्स है गाइस, लाइक CBSE एंड ICSE ने अपना एग्ज़ाम्स को फुल्ली कैंसिल कर दिया है, तो यार अब बचता है उन लोग का एडमिशन रिजल्ट्स। तो जैक बोर्ड अगर यहाँ पे कराता है एग्ज़ाम कंडक्ट, तो सोच सकते हो अगर जैक बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराता है तो आप लोग का एडमिशन कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, आप लोग का कॉपी चेकिंग कब होगा, न्यू सेशन कब से स्टार्ट होगा, आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे, 11th की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे, ये सारी चीज़ें फिर से इशू क्रिएट कर देगा। फिर आपका नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, कब मॉडल पेपर आएगा, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन कब होगा, मतलब फिर से फुल्ली प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यार ये सब सारे पॉइंट्स को देखने के बाद तो यही डिसीजन आता है गाइज मेरे तरफ से कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को फिलहाल कैंसिल कर देना चाहिए था। एंड गाइज मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल कराने को लेकर के मैंने सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया था। मैंने बोला था कि आप लोग सारे लोग ट्विटर स्ट्रॉम करके @ट्विटर स्ट्रॉम अगर सर्च करते हो, सॉरी यार गाइज आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम पे, तो आप लोग को एक ट्विटर स्ट्रॉम बोल करके एक ग्रुप मिल जाएगा, उसमें तकरीबन 186 लोग अभी ज्वाइंड हैं एंड वो सारे लोग चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाए, लेकिन वहाँ पे सभी लोग एक्टिव हैं। ठीक है, एंड सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ज्वाइन कर जाओ। ठीक है, मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं, आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग जाओ ज्वाइन करो एंड आप लोग भी सपोर्ट करो। हम आपको पता है मैंने सोचा था यार आप लोग का जो मांगे हैं उसको न्यूज़पेपर में रिलीज़ किया जाए, प्लस में 200+ व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो कि न्यूज़ से रिलेटेड है, वहाँ पे पब्लिश किया जाए, आपकी मांगों को आगे तक पहुँचाया जाए, ऐसा मेरा प्लान था। एंड ये चीज़ करने को मैंने बहुत सारे लोगों से कॉन्टेक्ट भी कर दिया था एंड वो लोग मान भी गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स का सपोर्ट नहीं है, फिर उन्होंने बोला भी कि स्टूडेंट्स लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे तो कैसे हम लोग करें। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करो ताकि आपकी आवाज़ों को हम लोग आगे तक उठा सकें, आपकी आवाज़ों को आगे तक भेज सकें। यार स्टार्टिंग तो मैं तो हम लोग खुद ही कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ लोगों ने किया एंड कुछ कुछ लोगों ने ज़रूर से किया, बहुत ही अच्छे से किया। तो मैं चाहूँगा और भी स्टूडेंट्स हमें पोस्टर्स सेंड करें अपने फ़ोटोज़ के साथ, अगर डर लगता है तो मास्क लगा लेना, लेकिन आप लोग सेंड कर सकते हो। जस्ट लाइक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है कि कैसे आप लोग को सेंड करना है, उस हिसाब से आप लोग सेंड करो, हम आपके साथ हैं। अगर आप लोग बोलोगे भैया एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो हम लोग चाहेंगे कि एग्ज़ाम दें, जो लोग चाहते हो एग्ज़ाम देना और जो लोग नहीं चाहते हो एग्ज़ाम नहीं देना। ठीक है, तो जो लोग चाहते हो एग्ज़ाम देना, अगर एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद आप सेटिस्फाई नहीं होंगे ना, तो यार आप लोग के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे और आप लोग को एग्ज़ाम दिलवाएंगे। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि सभी लोग मिलकर के भी सपोर्ट कीजिए, जो लोग चाहते हैं एग्ज़ाम ना हो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो लोग चाहते हो एग्ज़ाम हो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आप लोग जो चाहोगे कि एग्ज़ाम हो तो हम आपको वहाँ पे भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जब एग्ज़ाम आप लोग लेवाना चाहोगे, और जो लोग चाह रहे हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो आप लोग सपोर्ट करो, हम लोग एग्ज़ाम कैंसिल कराने पे भी आपको सपोर्ट करेंगे एंड लोगों ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी आगे आओ ताकि आप लोग को बेनिफिट, इसका फुल्ली बेनिफिट आप लोग को मिल पाए। ठीक है, तो ट्विटर पर ट्वीट करना, प्लस में हमें पोस्टर्स वगैरह सेंड करो मेल पे, मेल नीचे दिया हुआ है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिजनेस मेल है, कुछ भी मेल है, वो मेल मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ। तो आप लोग सेंड करोगे तो मेरे पास आएगा, मैं आपके पोस्टर्स को न्यूज़ वालों को सौंप दूंगा। एंड जब उनको लगेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आपके जो भी फोटोज़ को यूज़ करके एक न्यूज़ बनाया जाएगा, देन उसको पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो यार देखो, आप लोग सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो, हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड जो पॉइंट्स मैंने बताया क्या ये पॉइंट्स गलत हैं सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाना। साथ ही साथ ट्विटर पर ट्वीट करो #cancelJacBoardExams2021, ठीक है। आप लोग CM से रिक्वेस्ट करो, सबसे रिक्वेस्ट करो कि हमारा एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाए। आज भी मीटिंग है गाइस शाम को, तो आप लोग चाहो तो आप लोग अपना बात को पहुंचा सकते हो। देखते हैं आज कुछ मीटिंग में फैसला होता है या फिर नहीं बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के। तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर कोई भी अपडेट आता है मैं ज़रूर से बता दूंगा। एंड इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी को भी ये पॉइंट्स पता चल पाए, उन्हें भी समझ में आना चाहिए कुछ कुछ चीज़ें। एंड जो मैंने लास्टली बतलाया अभी, वो चीज़ सभी लोग करना यार, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।